हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस लॉजी। आज हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा विकसित उत्तम AESA रडार के बारे में। उत्तम एक मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है। ये फुल्ली सॉलिड स्टेट एक्टिव फेस्ड एरे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि इसे 3D रडार बनाती है। ये गैलियम आर्सेनाइड पर बेस्ड क्वाड बैंड मॉड्यूल फीचर वाला एक लिक्विड कूल्ड AESA रडार है, जिसे लार्जर यूनिट बनाने के लिए स्टैक्ड किया जा सकता है। इसमें निर्माता को बड़े एयरक्राफ्ट में रडार का उपयोग करने के लिए स्केल की अनुमति देता है। इस रडार की डेवलपमेंट 2008 में शुरू हुई थी और बाद में इसे 2009 एरो इंडिया में दिखाया गया था। इसकी 3 यूनिट टेस्ट के वेरियस फेजेस में है। इसकी पहली यूनिट को रूफ टॉप माउंटेड टेस्टिंग में है, दूसरी यूनिट को जेट से टेस्ट किया जा रहा है और तीसरी यूनिट को फ्लाइट टेस्टिंग में HAL तेजस के सेकंड लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल से हो रही है। उत्तम रडार को DRDO के यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके स्केलेबल डिज़ाइन के कारण इसका फ्लेक्सिबल इंटरफेस है और साथ ही इसमें मॉड्यूलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। इसमें MTBF मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर सिस्टम लगा है, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फेलियर का पता लगाता है नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन के वक्त अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन के द्वारा, जिससे हाई मिशन रिलायबिलिटी मिलती है। इसमें फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन मोड के साथ फास्ट बीम एगल सिस्टम लगा है। इसमें पल्स डॉपलर सिस्टम का यूज़ हुआ है, जो कि टारगेट की रेंज पल्स टाइमिंग टेक्निक के द्वारा पता लगाता है और पल्स सिग्नल के रिटर्निंग टाइमिंग से टारगेट की वेलोसिटी भी पता लगाता है। और इसमें अल्ट्रा लो साइड लॉब एंटीना के साथ सी बैंड लाइन ऑफ साइट LOS और KU बैंड सेटकॉम लिंक का इस्तेमाल हुआ है, जो कि अवेक्स और कन्फॉर्मर AI1 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह है। इसकी टारगेट को डिटेक्ट करने की रेंज 220 किलोमीटर है और प्रायोरिटी ट्रैकिंग के साथ एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और साथ ही साइमल्टेनियस मल्टी मोड ऑपरेशन के साथ मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और 6 टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। इसका टारगेट को ट्रैक करने का RCS 2 मीटर स्क्वायर है 90 किलोमीटर डिस्टेंस से, पर कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि इसको बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। उत्तम के पास 16 से ज़्यादा डिफरेंशियल टाइप के ऑपरेशनल मोड हैं और रडार को प्लस टू प्लस को बदलकर एक साथ कई मोड में काम कर सकता है और साथ ही सिचुएशनल और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी पायलट को देता है। DRDO ने एरो इंडिया 2019 में तेजस LSP-2 में उत्तम रडार को फुली इंटीग्रेटेड शो किया था। इसे तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और साथ ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट HAL-MCA में यूज़ करने का प्लान था। हालांकि तेजस MK-1A वेरिएंट में इजरायली ELM-2052 AEC रडार को यूज़ किया जाएगा। अगर हम उत्तम रडार को ELM से कंपेयर करें तो उत्तम रडार 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, वही ELM 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। उत्तम का वेट 120 kg है और ELM का 80 kg। उत्तम गैलियम आर्सेनाइड पर वेट है और वहीं ELM गैलियम नाइट्राइड पर बेस्ड है। उत्तम की रेंज 220 किलोमीटर है और RCS 2 मीटर स्क्वायर है और वहीं ELM की रेंज 290 किलोमीटर है और RCS 1 मीटर स्क्वायर है। गैलियम नाइट्रेट के पास जैमिंग कैपेबिलिटी, लो पावर कंजम्पशन, ज़्यादा रेंज पर लेस हीट आउटपुट है गैलियम आर्सेनाइड के कंपैरिजन में। हेलो दोस्तों, आज हमने बात करी उत्तम रडार के बारे में और उत्तम और ELM-2052 में कंपैरिजन भी किया। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।